पासवर्ड मेन चीज है। आपका चाहे सस्ता फोन हो, चाहे 5,000 रुपए का फोन हो, चाहे 50,000 का फोन हो, उसमें पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा लगाइएगा। अल्फाबेटिक टाइप में कोई लगाना, स्पेलिंग वगैरह जो जिसे बोलते हैं, आप ठीक से समझ जाए, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिक अगर लगाएं तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास दिन में अगर 10 फोन ठीक होने के लिए आते हैं ना, तो उनमें से 5 फोन जो होते हैं ना, उनको अनलॉक करने के लिए ना मुझे पासवर्ड पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पता क्यों? ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है। मैं भी आपको बोलना चाहूँगा, भाई अपने फोन में ना पैटर्न लॉक का इस्तेमाल मत किया करो। देखिए, कस्टमर का फोन है, जैसे कि मैंने इसमें ये पासवर्ड डाला और ये खुल गया, तो भाई ऐसे तो कोई भी खोल लेगा आपका पासवर्ड, है ना। कोई चोर भी तो इसका मिसयूज़ कर सकता है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉमन से जो पासवर्ड होते हैं ना, पैटर्न वाले, इन्हें यूज़ ही मत किया करो पैटर्न को। तो अगर पैटर्न यूज़ भी करते हो ना, तो कोई थोड़ा टफ बनाया करो, थोड़ा हार्ड पासवर्ड रखा करो अपना। बहुत सारे बंदे ये एल अक्सर रखते हैं, और एक और बताता हूँ, लड़कियाँ तो ज़्यादातर ये रखती हैं, देखो एन बनाएंगी छोटे वाला, है ना। अगर आप भी ऐसा बनाते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे बंदों को देखता हूँ ये वाले पासवर्ड लगा के रखते हैं अपने फ़ोन में। जो चोर होता है ना, आपका फ़ोन मान लीजिए चोरी हो जाए, तो वो तो ईजिली खोल लेगा, उसके बाद वो आपकी जीमेल आईडी रिमूव करके फोन को रीसेट मार देगा। अब भाई साहब, आपकी जो एक कंप्लेंट होगी ना, थाने में पड़ी रह जाएगी, फोन तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ उसमें से हटा ही देगा जब वो पासवर्ड ही खोल लेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सिंपल सा पासवर्ड मत रखा करो। सिंपल में ऐसे बहुत सारे बंदे बना देते हैं ये वाला एल, और बनाते हैं जेड, है ना, ये भी बनाते हैं, और एम बनाते हैं, डब्ल्यू बनाते हैं। देखिए, मोबाइल कंपनियां है ना, आपके फ़ोन में 5 अटेम्प्ट एक साथ देती है कि आप 5 बार अगर गलत पासवर्ड डाल दोगे, तो उसके बाद 1 मिनट मांगने लग जाएगा, 1 मिनट बाद पासवर्ड खुलेगा, और उसके बाद आप फिर 5 मिनट हो जाता है, फिर 10 मिनट हो जाता है। तो अटेम्प्ट तो बढ़ाती जाती है कंपनियां। तो इसलिए चोर जो होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फ़ोन नहीं खोल पाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में आराम से खोल देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैटर्न लॉक मत लगाइए। आप उसमें अल्फाबेटिक लॉक लगा लो, सबसे बेस्ट है। मैंने अपने मोबाइल रिपेयरिंग करियर में सबसे अच्छा जो पासवर्ड मैंने किसी के फ़ोन का अगर देखा है, तो वो देखा मैंने अल्फाबेटिक पासवर्ड, ठीक है, ABCD करके। कुछ भी आप उसमें नाम डाल सकते हैं अपना। उसमें क्या होता कि आप उसमें कैपिटल लेटर भी लिख सकते हो, कोई अदर वर्ड भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। वो सबसे अच्छा लगता है मेरे को पासवर्ड। उसका पासवर्ड मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही खुलता है, ठीक है। जो न्यूमेरिक होता है, जो नंबर वाला होता है, 1, 2, 3, 4 करके, उसमें भी कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत है ना मुश्किल पासवर्ड लगाया करो, क्योंकि बहुत सारे बंदे 1, 2, 3, 4 लगाते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाते हैं, या 4 बार 0 लगाते हैं, 1, 1, 2 लगाते हैं। तो ये कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं जिनको चोर भी जानता है, और वो फौरन जैसे कोई फ़ोन चोरी करता है ना, तो वो कॉमन पासवर्ड होते हैं ना, इनको डाल डाल के ट्राई करता है। और जैसे ही आपका फ़ोन खुल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जब आपका पासवर्ड खुल जाएगा ना, तो वो आपकी जीमेल आईडी हटाकर फ़ोन को रीसेट मार देगा। उसके बाद भाई साहब फ़ोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो उसमें से लोकेशन भी ऑफ कर देगा। उसके बाद उसकी जो फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई फ़ोन आपने ऑन कर रखा होगा, उसे ऑफ कर देगा पासवर्ड पता होने के बाद, है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, पैटर्न लॉक का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। न्यूमेरिक नंबर अगर यूज़ कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 कोई कॉमन से जो मैंने बताए हैं आपको, इनको यूज़ ना करें। और अगर आपको पैटर्न लॉक ही ज़्यादा पसंद है, तो आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। एक तरीका ये भी होता है कि मान लीजिए आपने पैटर्न लॉक अपना इजी रख लिया है, कोई बात नहीं, मगर उसके बाद आपने फाइल मैनेजर में, सेटिंग्स में, उसके बाद गूगल में, क्रोम में, उनमें पासवर्ड जरूर लगा देना। और उनमें ये वाला पासवर्ड मत लगाना जो आप मेन डिस्प्ले पे लगा रहे हो, आप उसको अलग से पासवर्ड कोई लगाएं, कोई हार्ड पासवर्ड लगाएं, जो कि कोई बंदा अगर पासवर्ड आपका खोल भी ले, तो आपकी ऐप वगैरह को यूज़ ना कर पाए। और देखिए, जो कॉल वाला आइकन होता है ना, और मैसेज वाला होता है, इन दोनों पे जरूर याद करके आप अपना पासवर्ड लगा के रखना, क्योंकि कोई बंदा आपका फ़ोन चुराने के बाद अनलॉक अगर कर भी लेगा, तो फिर ये होता है कि वो आपके फ़ोन नंबर की कॉन्टैक्ट डिटेल भी देख सकता है, उसमें से कुछ गलत मिसयूज़ भी कर सकता है, किसी नंबर के साथ कुछ फ्रॉड भी कर सकता है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे को पेटीएम पैसे की ज़रूरत है, इसी नंबर पे पेटीएम कर दे, तो वो फ़ौरन उस पर कर भी देगा, क्योंकि आपका ही नंबर जाएगा, तो इसमें कोई शक भी नहीं कर पाएगा। आपकी डायल लिस्ट में नंबर देखने के बाद आपके जो रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, जैसे लिखा होता है ना, पापा, भैया, ऐसे ऐसे भी हम कॉन्टैक्ट नंबर जो सेव करते हैं, उनमें फ़ोन करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा, भाई 5,000 रुपये दिए यार, मेरे को ज़रूरत पड़ गई। अब आपका ही नंबर उसके पास गया है, तो वो कहेगा कि भाई जेन्युइन बंदा, आवाज़ का क्या है, आवाज़ तो वो बोल देगा भैया गला ख़राब है, कुछ भी कह के, मगर आप तो नंबर देखोगे, दूसरा बंदा नंबर देखेगा, भाई नंबर तो उसी का आ रहा है, तो मैं अभी दे देता हूँ। तो ये आपके साथ स्कैम वगैरह ये चीज़ें ना हो पाएँ, इसके लिए देखो अपने थोड़ा सिक्योरिटी को है ना हाई रखिए,
बहुत सारे बंदे फ़ोन तो जब ख़रीदते हैं ना तो ऐसी ऐसी सिक्योरिटी देखते हैं कि उसके बारे में यूट्यूबर्स की वीडियोस देखेंगे कि इसमें सिक्योरिटी का क्या ऑप्शन दे रखा है, नॉक्स दे रखी है या कौन सी दे रखी है, उसके ढूंढ ढूंढ के तो वो फ़ोन ख़रीदता है और उसके बाद पासवर्ड लगा देता है ऐसा लल्लू पंजू, है ना। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। पासवर्ड मेन चीज़ है आपका, चाहे सस्ता फ़ोन हो, चाहे 5000 रुपये का फ़ोन हो, चाहे 50000 का फ़ोन हो, उसमें पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा लगाइएगा। अल्फाबेटिक टाइप में कोई लगाना, स्पेलिंग वगैरह जो जिसे बोलते हैं, आप ठीक से समझ जाए, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिक अगर लगाएं तो आप थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड लगा दें, और अगर पैटर्न लगाना चाहते हो तो पैटर्न में भी है ना आप थोड़ा सा, और अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं, पैटर्न आपको ज़्यादा ही पसंद है तो भाई फिर पैटर्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ अलग तरीके का लगाना, और अगर आपको पैटर्न लॉक ज़्यादा ही पसंद आता हो ना तो फिर पैटर्न लॉक को थोड़ा सा टफ़ करके फिर लगाइएगा अपने फ़ोन में। कुछ भी करके आप कुछ ऐसा लगा दीजिए जिससे कि आपका फ़ोन खोने के बाद कोई अनलॉक ना कर पाए उसको। देखिए अनलॉक करने का तरीका एक और होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे अनलॉक कर दिया अपने फ़ोन को, है ना, यहाँ पे पासवर्ड है, अब बंदा कर रहा है यहाँ पे 3 अटैम्प्ट हो गए या 5 अटैम्प्ट हो गए, उसके बाद कुछ सेकंड मांग रहा है या मिनट मांग रहा है या फिर एक एक दो दो घंटा मांग रहा है, तो आपको लगेगा कि इसके बाद ये पैटर्न का ऑप्शन नहीं आ सकता। भाई इसका ऑप्शन है ना एक जगह से और आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका फ़ोन मान लीजिए खो गया और उसने गलत पैटर्न डालने की कोशिश करी और उसका नंबर बढ़ते चले गए, मतलब टाइमिंग बढ़ गई आगे, पैटर्न नहीं खुल पाया उससे, तो वो क्या करेगा, इसको फ़ोन को ऑफ करेगा और हार्ड रीसेट मोड में लाएगा, यानी कि रिकवरी मोड में। एक मिनट में आपको ना रिकवरी मोड ही बता देता हूँ। आज मैं बस आपकी सिक्योरिटी चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे पास आते हैं, दिन में 10 कस्टमर अगर आते हैं ना तो 5 कस्टमर के फ़ोन मैं बिना पासवर्ड पूछे ही खोल देता हूँ उसका, क्योंकि इतना इजी लगा के रखता है, इतना इजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रिकवरी मोड में ना आपका कोई भी फ़ोन होगा, कोई फ़ोन वॉल्यूम प्लस और पावर बटन से रिकवरी मोड में आता है, और कोई कोई फ़ोन वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से रिकवरी मोड में आता है। तो ये MI का Redmi 6 Pro है, ये आएगा इस तरीके से रिकवरी मोड में, अभी देखना ये रिकवरी मोड में आ जाएगा, उसके बाद पैटर्न का ऑप्शन आ जाता है इसमें, ठीक है। और पैटर्न का ऑप्शन जब आएगा, जब आपने उसमें जीमेल अकाउंट डाल रखा होगा, ठीक है, ये वाइप डाटा करने का जैसे ही टिक करेगा ना बंदा, तो यहाँ पे पैटर्न बन के आ जाता है, फिर उसमें आपको 5 अटैम्प्ट या 10 अटैम्प्ट तक मिल जाते हैं, और किसी किसी फ़ोन में है ना 20-20 अटैम्प्ट भी मिल जाते हैं। बंदा खोलता रहेगा, ट्राई करेगा, वहाँ से नहीं खुलेगा ना तो यहाँ खोल लेगा, ठीक, यहाँ खोलते ही फिर वो कैंसिल कर देगा, उसको वाइप नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा, तो ये तो ऐसा भी हो जाता है ना, बहुत ऐसा भी चोर आपके साथ कर सकता है, ठीक है। मैं इसको वाइप नहीं करूँगा, कस्टमर का फ़ोन है, वरना पिटने वाले काम हो जाएंगे ये, और मैं नहीं चाहता मुझे कोई पिटे। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको सिक्योरिटी वाली अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने मोबाइल का भी ख्याल रखिए।